So hi students, welcome to our channel Neat Easy Makes Physics Easy. So जैसा कि मैंने promise किया था आप लोगों से first video में how to study physics वाले में कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैं आप लोगों को help करूंगा कि आप लोग identify कैसे करोगे कि आपको किसी theory में आपको जब concept समझाया गया तो वो आपको 70-80% समझ में आया या फिर 40-50% समझ में आया. तो अब इस चीज के लिए मैंने क्या लिया है, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ठीक है. सो देखते हैं, चलो देखते हैं इस चीज़ को. ये चीज़ आप लोगों ने देखी होगी, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ पता होगा, फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डीटी. क्या बोलते हैं इसको, न्यूटन्स सेकंड लॉ, ठीक है. ओके, सो अब देखो, ध्यान देना इस चीज़ पर, ठीक है, क्या होने वाला है अभी, बहुत ध्यान से देखो. एफ इज इक्वल टू डीपी बाई डीटी, ठीक है. उसके बाद मैंने क्या किया, पी मतलब क्या होता है, मोमेंटम. इसको साइड में यहां पे लिख देते हैं, टुपुक से जगह बनाकर, मोमेंटम. ओके, पी मतलब होता है मोमेंटम, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू वी, एम मतलब मास, वी मतलब क्या, वेलोसिटी. और फिर एम अगर इधर कांस्टेंट है तो ये एम होगा, लात मार के इसको डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल दो, एम कांस्टेंट है तो बाहर आ गया. अब ये हो गया आपका डीवी बाई डीटी, इसको हम लिख देते हैं एफ इज इक्वल टू एम ए, फादर इज इक्वल टू मदर, जस्ट किडिंग. सो एफ इज इक्वल टू एम ए. अब ये काफी फ्रीक्वेंटली यूज होता है और बच्चों को याद ही यही रहता है कि एफ इज इक्वल टू एम ए. अब देखो, तो सारी चीजें यहां से चालू होती है. मान के चलो ये कॉन्सेप्ट मैंने डिलीवर किया, ठीक है. अब दो बच्चे बैठे हैं क्लास में, वही फिर से, एक हिमांग बैठा है और एक ऋतिक बैठा है. अब देखो दोनों ने इसको समझा कैसे, वो चीज मैं आप लोगों को समझाता हूं. इस बच्चे ने इस फॉर्मूले को क्या समझा, अच्छा ठीक है, सर ने लिखा एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, उसके बाद क्या लिख दिया, पी को एम वी लिख दिया, फिर उसके बाद क्या किया, एम कांस्टेंट था तो उसको बाहर कर दिया और डी वी बाई डी टी को लिख दिया एक्सेलरेशन. तो यहां से हम यहां पहुंच गए, ठीक है. ऐसा इसने समझा, क्या लिखा, किसको कन्वर्ट करके एक्सेलरेशन लिखा, ऐसा इसने एक ओवरऑल माइंड में मैप बनाया, ठीक है. ये मैपिंग की इसने अपने माइंड में. ओके, अब बात आ गई ऋतिक भैया की. अब ऋतिक भैया ने इस चीज को कैसे समझा, जब मैंने यहां से पढ़ाना चालू किया दिमाग तो था बट क्या पता कहाँ था, ठीक है. तो यहां से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, ये सब कहानी की, उसके बाद मैंने बोल दिया कि ये आ गया आपका एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है. तो अब इसने क्या याद रखा, इसने सिर्फ याद ही इतनी सी चीज रखी, एफ इज इक्वल टू एम ए. पीछे क्या चला क्या नहीं चला कोई लेना देना नहीं, ठीक है, कोई लेना देना नहीं. तो यहां पे बात आ जाती है, ठीक है. अब फिर देखते हैं और इसके आगे क्या होता है. इसने ऋतिक ने समझा एफ इज इक्वल टू एम ए, और इसने क्या समझा, ठीक है, एफ को हमने लिखा क्या था, एफ डी पी बाई डी टी, फिर उसके बाद डी वी बाई डी टी को क्या लिख दिया, ए, ठीक है. अब मान के चलो सबसे पहला क्वेश्चन दिया मैंने इन दोनों को, तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इफ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन इट. तो ये तो बिल्कुल बेबी क्वेश्चन है, ठीक है, ये बच्चा क्वेश्चन है, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला है, पुट दी वैल्यू गेट दी आंसर. तो ये बच्चा भी सही कर देगा और वो भी सही कर देगा. कैसे होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए, इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 5, खाट खाट ये आंसर आ गया 2 m/s². यहां तक चीजें बिल्कुल आराम, मजा, चिल, ठीक है. फिर अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है. अब जब मैंने क्वेश्चन नंबर 2 दिया तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कमेंट ऑन द फोर्स इफ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है. अब मैंने सेम आंसर, इस क्वेश्चन का मैंने आंसर पूछा हिमांक से, तो हिमांक ने मुझे क्या आंसर दिया वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, मान के चलो उसने सही दिया आंसर, ठीक है. बट पहले बात करता हूं मैं ऋतिक की, ऋतिक ने क्या किया. अब ऋतिक ने जैसे ये क्वेश्चन देखा ना, तो इसके दिमाग में यहां पे 2 स्टार, यहां पे 2 क्वेश्चन मार्क, और दिमाग में पहली लाइन आ गई, फिजिक्स स्टफ. क्यों, क्योंकि यहां पे ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पा रहा ना इसका, ना इसको इधर, इसको पूछ लिया यहां पर फोर्स, बट किससे रिलेट कर दिया, उसको वेलोसिटी से रिलेट कर दिया. अब इसको फॉर्मूला क्या याद है, एफ इज इक्वल टू एम ए, अब ये तो रिलेट ही नहीं कर पा रहा ना, क्योंकि इसको दिमाग में वो चीज है ही नहीं कि मैंने इसको यहां पे लाया कैसे था, डी वी बाई डी टी को ही तो मैंने ए लिखा था, ये चीज इसके दिमाग में ही नहीं आ पा रहा है.
यही इसी चीज को बोलते हैं कि 40-50% अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम थ्योरी। थ्योरी मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो या तो डेरिवेशन हो या फॉर्मूला हो, वो कुछ भी हो सकता है थ्योरी में, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चंस। सो ये होता है डिफरेंस। इसने सिर्फ इतनी चीज ध्यान रखी और उस बच्चे ने यहां से लेकर के पूरा यहां तक का एक ओवरऑल ब्रीफ याद रखा कि क्या हुआ, कहां से कैसे चीजें आ गई हैं, ठीक है। इसलिए वो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकता है, ठीक है। और अब एक बार ये चीज क्लियर हो जाती है तो उसके बाद आप ये चीज भी समझ के चलो कि मैं ये चीज बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि आपको एक एक फॉर्मूले का डेरिवेशन आना चाहिए, ना बिल्कुल नहीं। देखो मैं बस इतना कहना चाहता हूं आप लोगों से, आप यार फॉर्मूले का पूरा डेरिवेशन मत याद रखो, आप बस इतनी चीज याद रखो कि आपने वो जो फॉर्मूला है ना, कोई भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, वो आपने किन कंडीशंस में निकाला है। आपके लिए कंडीशन ध्यान रखना जरूरी है, किस कंडीशन में आपने उस फॉर्मूले को डिराइव किया है, अगर वो चीज चेंज हो गया तो क्या चेंजेस आ जाएगा इसमें। अगर आप इस चीज के साथ परफेक्ट हो ना तो खत्म यार, आपका भी ये जो 30% का लैग आ रहा है ना, ये जो 30% का लैग है इन दोनों बच्चों में, अगर ये ऋतिक भी है ना, अगर ये चीज अडॉप्ट कर लेना तो ये जो 30% का लैग है आराम से क्लियर कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और बात ऐसी होती है ना कि जब जैसे अभी जैसे ये डीवी बाई डीटी है, ठीक है, अब ये चीज उसको हिमांक जो बच्चा है, जो इंटेलिजेंट वाला बच्चा है ना, उसको ये चीज देख के समझ में आ जाता है, अच्छा अगर ये जीरो हो गया तो फोर्स जीरो हो जाएगा, वो मेंटली बैक ऑफ द माइंड उसका कैलकुलेशन चल जाता है जब ये चीज, जब ये कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, बट ये ध्यान नहीं देता है ना इस चीज पर, इसीलिए ये इतना स्ट्रगल करता है, ठीक है। सो ये था एक ओवरऑल ब्रीफ कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग का कैसे पता लगा सकते हो कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक है, या 70-80% आया है या फिर 40-50% आया है। और यही बात होती है कि आप लोग क्यों क्वेश्चंस ज्यादा करना चाहिए, क्यों वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे इतना ज्यादा फोकस किया जाता है, और क्यों कहा जाता है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया थ्योरी से तो आप क्वेश्चंस करो, तो क्वेश्चन करने से आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होती है, तो ये फंडा होता है। आई होप अब जाकर के ये चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं हुआ तो एक बार और देख लीजिए वीडियो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय बाय।